मोदी सिर्फ ये चाहता है कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री बना रहा हूँ। अगर तुम सत्ताधारी के गुलाम बन गए, अंग्रेजों वाला हाल हो जाएगा। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सरकार उसको जेल में डाल रही है। ये तानाशाह सरकार किस चीज पे सजा हुई है? चोर को चोर कहने पे सजा हुई है। नीरव मोदी भागा, कौन है नीरव मोदी? वो भागा, वो चोर है। ललित मोदी चोर है। मोदी कहने पे उनको अंदर किया गया है। अगर मोदी के अंदर हिम्मत है तो हरियाणा से चुनाव लड़के दिखाए, राजस्थान से चुनाव लड़के दिखाए, दिल्ली से चुनाव लड़के। मोदी को एक वोट भी नहीं मिलेगा। मैंने मजदूरी की, मेहनत करी, मैंने खुद अपनी तरक्की करी है, मोदी ने तरक्की नहीं करी। आज एक भी आदमी बता दे कि मोदी ने एक भी घर या किसी रेहड़ी पटरी वाले को कुछ दिया हो, आम पब्लिक को कुछ नहीं दिया। देश वन कंट्री वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है क्या? देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ये जो चल रहा है आजकल, ये मेरा भाई है, ये भी मजदूर और मैं भी मजदूर, हम दोनों में कंपटीशन है कि हम दोनों ही कमाएंगे। लेकिन अगर मेरे मन में बेईमान आ जाए कि ये भाई नहीं कमाएगा और मैं ही कमाऊंगा, वही हाल है। मोदी सिर्फ ये चाहता है कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, कोई मेरे सामने कोई खड़ा ना हो। और जब वो विपक्ष का गला घोटता है, विपक्ष का मतलब है जनता, जनता सत्ता, विपक्ष सत्ता में नहीं है। सत्ता में जो होगा हम उससे सवाल करेंगे, क्योंकि जनता ने उसको चुना है। हम विपक्ष से सवाल नहीं करेंगे, विपक्ष हमारी आवाज उठाता है, विपक्ष हमारी आवाज है। बहुत सी मूर्ख जनता होती है जो विपक्ष की तरफ वो करती है, अरे पागलो, अगर तुम सत्ताधारी के गुलाम बन गए तो चाइना वालों, तानाशाही, अंग्रेजों वाला हाल हो जाएगा। जैसे कि उस समय अंग्रेजों के समय जो अंग्रेजों के गुलाम थे, तानाशाही वो करते थे, वो उनके मजे ले रहे थे, लेकिन जो लोग उनके विरोध में रहते थे वो जेल में जाते थे। वही आज हो रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सरकार उसको जेल में डाल रही है। ये तानाशाह सरकार है। जो राहुल गांधी जी को सजा हुई है, आपको लगता है कि मोदी जी, मोदी राहुल गांधी को, आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस चीज पे सजा हुई है? चोरी पे सजा नहीं हुई है, भ्रष्टाचार पे सजा नहीं हुई है, कोई गुंडा नहीं है वो, किस पे सजा हुई है? चोर को कहने पे, नहीं नहीं, चोर को कहने पे, चोर कहने पे, चोर को चोर कहने पे सजा हुई है। नीरव मोदी, आप बताएं, नीरव मोदी भागा, कौन है नीरव मोदी? वो भागा, वो चोर है। ललित मोदी चोर है। अब जो है, अगर किसी चोर का नाम, किसी चोर का नाम वर्मा हो, शर्मा हो, कुमार हो, और उसको कह दिया जाए कि भैया ये संजय कुमार चोर है, तो क्या सब सारे कुमार मेरे पे केस कर देंगे? अरे मोदी कहने पे क्या, ये बिल्कुल मोदी कहने पे उनको अंदर किया गया है। और ये जो किया गया, कहाँ पे किया गया? अपने अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है ना, गुजरात में जाके, कोर्ट में जाके ये फैसला दिलवाया है। क्यों नहीं कहीं और कहीं दिया गया? बिहार से क्यों नहीं दिलवाया? राजस्थान से, हरियाणा से? अगर मोदी के अंदर हिम्मत है तो वाराणसी से चुनाव ना लड़े, धर्मनगरी से। अगर विकास की नगरी से चुनाव लड़के दिखाए तो हरियाणा से चुनाव लड़के दिखाए, विकास की नगरी हरियाणा से चुनाव लड़के दिखाए, राजस्थान से चुनाव लड़के दिखाए, दिल्ली से चुनाव लड़के दिखाए। मोदी को एक वोट भी नहीं मिलेगा। धर्म के नाम पे वोट मांगता है, वो वहां जाके चुनाव लड़ता है। किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई विकास नहीं है। आज जो है, मैं अपने बिहार से आया, चप्पल पहन के आया, आज मैं पैंट बुरशर्ट पहन के खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं धोती कुर्ते में आया, मैंने मजदूरी की, मेहनत करी, मैंने खुद अपनी तरक्की करी है, मोदी ने तरक्की नहीं करी। हम अपने 40 साल की उम्र होगी, हमने खुद तरक्की करी है, मोदी ने तरक्की नहीं करी, या उस सरकार की वजह से तरक्की करी जिसने हमें सुविधाएं दे रखी थी, जिसने सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जय जय कॉलोनी, जो रेहड़ी पटरी वालों को कांग्रेस ने जो जगह दी हमें बसने के लिए, गरीब लोगों को जो जगह दी थी। आज एक भी आदमी बता दे कि मोदी ने एक भी घर या किसी रेहड़ी पटरी वाले को कुछ दिया हो, तो मैं मुंह पे बंद कर लो। बताइए आप जितने खड़े हैं, आम पब्लिक को कुछ नहीं दिया बिल्कुल। 8 साल में 400 रुपए का सिलेंडर 1100 कर दिया, पेट्रोल 60 रुपए का 100 रुपए कर दिया, आटा, आटा में GST लगा दिया, 30 रुपए का आटा 48 रुपए 50 रुपए हो गया, हर चीज़ महंगी कर, खाने पीने की सब चीज़ें महंगी, दही दूध सब में GST 30 रुपए का दूध 60 रुपए हो गया। ऐसी कौन सी चीज़ें जो आम पब्लिक फ़ायदा हुआ है, मुझे खाली बताओ कि आम पब्लिक को क्या शौचालय से फ़ायदा हो जाएगा? आम पब्लिक पहले नहीं करती थी क्या? हंगती नहीं थी क्या पहले? हंगती थी ना पहले भी, तो शौचालय थे ना, तभी तो थी दुनिया के अंदर। क्या हुआ शौचालय से? क्या हुआ?